कोई पहचान न पाया करीब से, कुछ अंधे थे कुछ अंधेरे में। वो कच्चा कोठा के खुला पसार ऐसा, मैं तैनू तितलियां देसा जो राती खाब विच तकियां, सोनिया बस्तियां देसा। चूर लेना बड़ा जैसा है, और मैं तेरी इस महफिल में किस किस को देखूं। ये जो मेरे सामने तस्वीर है, बात ही बात में बंद कर देंगे डाले। तो कहते हैं कि वो जो आंखों में खाक जैसा है, चूर लेना बड़ा जैसा है, और मैं तेरी इस महफिल में किस किस को देखूं। हर कोई महताब जैसा है, और महताब सर चांद को कहते हैं, और कमर भी चांद को कहते हैं। डॉक्टर शाहनिवाल चौधरी साहब ने रजौरी मुझे बुलाया। आइटम का बाल खिलिया वा बड़ो गंभीर स्टोर है, इसे का बाल खिलिया वा बड़ो गंभीर स्टोर है, लगे इसरा के मुश्किल मां किसे की जान आई है, लगे इसरा के की यही ताबीर है। ये जो सब देखेंगे, ये जो मेरे सामने तस्वीर है, ख्वाब मेरे की यही ताबीर है। मुशीन साहब देखे के सर उठाऊंगा तो कट जाएगा सर, क्या बात है जमीन साहब, सर उठाऊंगा तो कट जाएगा सर, हाथ में सबके यहाँ शमशीर है, हाथ में के मोबाइल की दुनिया ने जकड़ा है हमें ऐसे, बेकार की उलझन से फुर्सत भी नहीं है। है हुनर अमीरों का हर ऐब जमाने में, मुफलस का कोई शाल तो शहादत भी नहीं है, मुफलस का कोई शाही तो शहादत भी नहीं है। ऊंचा है जिसकी फर्क वो समारत, ऊंचा है जिसकी फर्क वो समारत, अपना का कोई का तो कदाबत भी नहीं है, अपना का कोई का तो कदामत भी नहीं है। तुम वक्ते मर्द आए भी बेसूर लगेगा, जब ऐसी मरम्मत की चले बात ही बात में बंद कर देंगे डाले, बंद कर देंगे डाले हवालात में, थानेदार आ गया इन्हीं लम्हात में, थानेदार आ गया इन्हीं लम्हात में, जाने क्या क्या कहा उसने जज्बात में, जाने क्या क्या कहा उसने जज्बात में। मैं तो मुजरम नहीं था तेरा फिर मुझे, मैं तो मुजरम नहीं था तेरा फिर मुझे, बंद क्यों कर दिया तूने, बंद क्यों कर दिया ला हवाला तुमने, मेरे कांधे पे हाथ उसने रख कर कहा, मेरे कांधे पे हाथ उसने रख कर कहा, मिलना उनसे नहीं चांदनी रात में। रहे बस वतन अपना सदा, शत शत नमन श्रद्धा सुमन भाव मिनी आरती, कन कन रिनी तन मन रिनी, रिनी है हम भारती, रिनी है हम भारती। तो मेरा नमन इनको, तो आगे में चार पंक्तियां और कहूंगी कि आप थोड़ा सा बस अपने घर की तरफ ध्यान दौड़ाइए कि अगर घर में कोई बेटी है तो कितनी प्यारी लगती है। अपने लिए भी अच्छा सा कुर्ता लाना बाबूजी, अक्सर त्योहार तीज पे ये कहती हैं बेटियां, क्या बात है। जब बेटा पैदा होता है तो हाँ जी बेटा हुआ, बेटी पैदा हुई है, अच्छा, खासकर मझौल को बड़ी तकलीफ होती है, तो नतालियां नथालियां ना कुछ हुए दादू जी, चुनरी से फिर भी पसीना पोंछती हैं बेटियां, अक्सर त्योहारों पे अक्सर तीज त्योहारों पे ये कहती हैं बेटियां। नौकर वीरे ए ताना बाबा देरे जीला तिका गांदा पिछाया सा नहीं हो कीता, जे शकारी वीरे ताया का बांदेरे। ओ एक बारिश दूजी शाम,
वो मंगे दिल जख्मी आरा बोतल खोल पला एक जाम ची मेरे मैं खाना वैसाखिया भई माना वैसाखिया भई माना खाब विच तकियां सारिया बस्तियां देसां तू मैनू काला रंग दे दे मैं तैनू तितलियां देसां जो राती खाब विच तकियां सोनिया बस्तियां देसां गमा दे काग आ बैठे मेरे कोठे दी बनिया गमा दे काग आ बैठे मेरे कोठे दे बनिया ते कड़ी पल चुप करो ए मैं जिगर दियां बोटियां देसां कड़ी पल चुप करो ए मैं जिगर दियां बोटियां देसां उर्दू जुबान में चार मिसरे की ताजु कुछ नहीं माना मुझे कुछ बात करनी है अच्छा भाई ताजु कुछ नहीं माना मुझे कुछ बात करनी है जरा ठहरो चले जाना मुझे कुछ बात किया देंगी तुझको दवान तेरे पास रहना है दो गज कफन तो मिट्टी में एक रोज होगा दफन तेरे पास रहना है दो गज कफन तू मिट्टी में एक रोज होगा दफन मरामत को जो अपने दिल से ना धोए मरामत को जो अपने दिल से ना धोए नदामत में डूबा नदामत में रोए क्यों अपने नसीबों को हाथों से खोए क्यों अपने नसीबों को हाथों से खोए वही काटता है जो इंसान और हम सरे आम बिक गए होते दाम लगते सिदाइश हैं केडी मैनी साहब तशरीफ फरमा है इनका हुक्म है कि ज्यादा संजीदा नहीं होता इस एक गजल पढ़ने जा रहा हूँ कि खुद को गर्जे को बकू रखा हुआ है केडी साहब खुद को गर्जे को बकू रखा हुआ है तुमको अपने चार सू रखा हुआ है खुद को गर्जे कुबकू रखा हुआ है तुमको अपने चार सू रखा हुआ है तुमने जितने जख्म उल्फत में दिए हैं दिल ने सबको खूबहू एक मुट्ठी शाम दे दो तो प्यार के वो काम दे दो तेरे अंदर आप सो तो मुझको अपना नाम दे दो मेरे अंदर आप सो तो मुझको अपना नाम दे दो चांद हो तो देखने दो चाहे फिर इल्जाम दे दो तुम सदा मेरे रहोगे ये ख्याले काम दे दो ना कोई सोना दर्दी इन सब की तरफ से मैं एसएसपी सर का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा आज मुशायरा यहाँ पे करवाया इसमें बहुत सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया हमारे जितने भी शोरा हजरात हैं इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला अपने जितने भी इनके टैलेंट है वो सब आज हमारे सामने इनके हर हर अल्फाज के आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छे इन्होंने आज मुशायरा हम सबको सुनाया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए क्योंकि आज हम सब ने बहुत टाइम जो है वो इन मुशायरात का लिया है और इनको ही सुना है मैं नहीं चाहती कि पाए कि हमने ये मुशायरा उसकी धरती पर करवाया
हजार पहल थी, इसका पूरा श्रेय मेरी टीम इसकी इजाजत एडिशनल की पूछ खुशी हम साहब कर रहे थे और उनका साथ डीएसपी डीआर साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, डीएसपी ऑपरेशन साहब, एसएचओ साहब और तमाम पुलिस के कारकुन जितने भी हमारे यहाँ पर पोस्टेड हैं उन सबको जाता है। आई फील सो प्राउड ऑफ यू ऑल। ये राणा साहब की पेश नज़र के आपका बहुत बहुत वेलकम है। संतों और यहाँ फकीरों की धमकी पूछ के ये आपका दूसरा टेंडर है और आज आपने महसूस किया होगा कि कुछ तो ऐसा था जिसको आप मिस करते थे, जिसको कैसे पाया है। तो हमने आपको पाया है, आपने हमको पाया है, ये सिलसिला दूर तक जाएगा। और अच्छा सबब है कि आप भी आए हैं और मुशायरे का आगाज हुआ है। मैं एक वादा करता हूँ कि इस तरह के आयोजन यहाँ अक्सर हुआ करेंगे और ये पहल भी है, जरूर इसमें कुछ कमियाँ रही जाहिर है, लेकिन एक पहल भी है। पहल अपने आप में एक खूबसूरत कोशिश है, शुरुआत है, इसको हम और ऊपर ले जाएंगे, इसका स्टैंडर्ड और भी इम्प्रूव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर शायरान का, बहुत बढ़िया से आपने यहाँ पर मंच को सजाया और महफिल को अपने शेरों से खुशगवार किया। खास तौर पर जो हमारी फागिन बहने यहाँ पर लेडीज, जो आप सब पूंछ की लेडीज को रिप्रेजेंट यहाँ कर रही थी, पूंछ में आके मैं अपना एक छोटा सा मैं दो मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा क्योंकि आज आज इस मंच पर मुझे भी थोड़ा सा अपने दिल के जज्बात बोलने का दिल कर रहा है कि मुझे पूंछ से एक मोहब्बत जैसी हो गई और लगता है कि मैं यहाँ से एक बेहतर इंसान, ये तो मुझे पूरा यकीन है, मैं बड़ा बेहतर इंसान बन के यहाँ से जाऊँगा। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मैं यहाँ से जरूर एक शायर बन के निकलूँगा। तो कभी ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पर मुशायरा होगा, मुझे कठुआ से बुलाया जाएगा आज ये एक नई पहल थी, एक मुशायरे का आयोजन किया गया ज़िला पुलिस पुंछ की तरफ से, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी पुंछ, डीएसपी डीआर, डीएसपी हेडक्वार्टर्स, इनकी तरफ से बहुत मेहनत करके पूरे जम्मू कश्मीर से जो शायर थे उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था पुंछ की धरती पर। और पूरे पुंछ के जितने भी हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन हैं उन्होंने इस मुशायरे को सुना और बहुत ज़्यादा इसका उत्साह बढ़ाया और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पहल हमारी तरफ से बहुत अच्छी लगी होगी और हमने लोगों से वादा किया है कि इस तरह की आयोजन जो है हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे।